और भाई साहब शिंचन बिंचन क्या हाल चाल है यार तुम लोगों के। अरे यार मेरे तो बढ़िया, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो यार सुबह सुबह? अबे ये एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट बात है यार, इसलिए मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता, मैं अकेले ही जा रहा हूँ। अरे बताओ ना यार, प्लीज बता दो यार। भाई साहब कल हमसे भी चीजें अब तू छुपाने लग गया यार, प्लीज बता दे। अबे यार छोड़ यार, मैं नहीं बता रहा। अरे यार प्लीज बता दो ना यार। अबे छोड़ो ना भाई साहब, कुछ बात नहीं होगी, कोई बर्गर वर्गर छुपा के खाने जा रहा होगा, ये यही बात होगी। ओ बर्गर वर्गर नहीं छुपा के जा रहा मैं खाने के लिए? तो भाई पिज्जा तूने ऑर्डर किया होगा, वही छुप के खाने जा रहा है। अबे नहीं, पिज्जा वीजा भी ऑर्डर नहीं किया है, तुझे क्या पता मैंने क्या किया। भाई साहब तू कभी जिंदगी में कोई बड़ा काम करता है कि तू आज करेगा? तूने कुछ भी नहीं किया है। चौप के बच्चे, तुझे पता है मैंने एक सीक्रेट गैरेज बनवाया और जिसके अंदर काफी महंगी महंगी गाड़ियां रखवाई है, समझा? छुप के पिज्जा खाने जा रहा हूँ मैं, ऐसा कह रहा है ये? भाई साहब कल यही तो मेरी ट्रिक थी तुझसे राज उगलवाने की। अच्छा मैंने सच बता दिया, और क्या भाई साहब? अरे फैमे यार तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले यार, हमें कह रहे हो कि कुछ काम नहीं है और यहाँ पर देखो यार एक अलग ही पूरा गैरेज बनवा लिया। अरे यार इन लोगों को ये बात नहीं बतानी थी, ये चौप के बच्चे की चालाकी की वजह से भाई साहब निकल गई मेरा मुंह से ये बात। चौप के बच्चे, भाई साहब कल बता दे यार, अब पूरी बात बताई दे, तूने आधी बात बता दी तो। चलो ठीक है तुम्हें बता ही देता हूँ। एक्चुअली मैं भाई मैंने ना बहुत सारी अपनी जितनी भी पुरानी गाड़ियाँ थी ना उन सारी गाड़ियों को एकदम मस्त चमकवा दिया है। अरे फिर उसके बाद मैंने एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला सीक्रेट बेस बनवाया है, और वो सीक्रेट बेस कम सीक्रेट शोरूम ज्यादा है भाई। अरे यार क्या बात कर रहे हो, सीक्रेट शोरूम? हाँ भाई बहुत ही तगड़ा शोरूम है, उसके अंदर भाई एक से एक महंगी से महंगी गाड़ियां हैं, और कुछ कुछ गाड़ियां तो ऐसी है भाई जो लॉस सेंटोस में सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है, इसलिए भाई मैंने चोरों के डर से यार एक अलग सीक्रेट शोरूम बनवाया है और उसके अंदर उन गाड़ियों को सेफली खवा दिया है। और भाई साहब उन गाड़ियों को पहले मैंने जब शोरूम के लिए गड्ढा खुदवाया तब गाड़ियों को रखा, उसके ऊपर बाद में वो शोरूम बना, समझा? अरे जिस दिन फिर तुम्हें गाड़ियों को निकाला होगा उस दिन क्या करोगे यार? हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, उसके लिए देख रहा हूँ मैं कुछ कोई सीक्रेट एग्जिट भी बनवाऊंगा जहाँ से सारी गाड़ियां निकल सके। फिलहाल तो मैंने पूरा का पूरा शोरूम अंडरग्राउंड बनवाया, वो भी एक सीक्रेट एंट्रेंस वहां तक जाती है। अरे क्या बात करो यार, हमें भी देखना है। मैं वैसे अकेला जा रहा था वहां पे, लेकिन तुम लोग भी चलोगे तो चलो। भाई साहब कल मजा आ गया यार, मजा तो बहुत ज्यादा आएगा। और तुझे पता है बिल्कुल ऐसी जगह पे मैंने वो टनल बनवाई है कि कोई सोच भी नहीं सकता भाई, एकदम सुनसान रेगिस्तान वेगिस्तान है और पहाड़ वहाड़ भी है वहीं पे। अरे वाह यार, फिर तो सच में ही मजा आएगा। तो आ जाए फिर तुम लोग मेरे संग भाई, अगर तुम लोग भी देखना चाहते हो वो खतरनाक वाला सीक्रेट शोरूम। वैसे भाई जोर जोर से बात मत करो, आजू बाजू वालों ने सुन लिया ना सीक्रेट शोरूम के बारे में, अगर उन्हें पता लग गया ना फिर वो भी हमारा पीछा करते करते वहां तक चले आएंगे। अरे हाँ यार ठीक है यार, अब जोर से नहीं बोलेंगे सीक्रेट शोरूम के बारे में। फिर जोर से बोल रहे, धीरे बोल। अरे ठीक है यार, नहीं बोलेंगे सीक्रेट शोरूम के बारे में। फिर चिल्ला रहा, तेरा मुंह तोड़ दूंगा शिंचन के बच्चे, चुप हो जा तू। ओके सो गाइस फटाफट से चलो गाड़ी निकालते हैं और जल्दी से चलते हैं यार अपना सीक्रेट शोरूम देखने के लिए। वैसे गाइस तुम लोगों को लग रहा होगा कि सीक्रेट शोरूम कुछ ज्यादा खास नहीं होने वाला, बट गाइस तुम लोग देखते रहो यार क्या ही मस्त वाला शोरूम बनवाया है मैंने, अभी देखो यार क्या ही मजा आता है। ओके सो गाइस चलो यार फटाफट से अपनी गाड़ी निकालते हैं। वैसे ये वाली भी गाड़ी गाइस काफी ज्यादा बढ़िया है, इसको भी हम लोगों को अपने सीक्रेट शोरूम में रख देना चाहिए, बट नहीं यार कोई सी गाड़ी तो होनी चाहिए इधर उधर जाने के लिए। अबे तुम लोग आ रहे हो कि मैं अकेले जाऊं? अरे रुको रुको यार, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, 2 मिनट रुको। आ जाओ फटाफट से यार, फिर चलते हम लोग सीक्रेट शोरूम। अबे जल्दी आओ भाई, कितनी ज्यादा लेट कर रहे हो। आज साहब कल वैसे यार शोरूम में घुसने में ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगी ना? अबे यार तुम लोगों से मैंने कहा ना भाई ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बातें मत करो, अब शोरूम के बारे में बात मत करो। अरे यार वहीं पर जा रहे हो और उसी के बारे में बात न करे यार, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अबे ठीक है लेकिन धीरे बोलो। अरे ठीक है यार धीरे बोलेंगे। अरे यार तो बताओ ना यार, वहाँ पर घुसने में ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगी? भाई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली, एकदम गदर है भाई शोरूम। शोरूम के बारे में तो तुम लोग टेंशन ही मत लो, पूरे के पूरे 3 महीने में बन के तैयार हुआ है वो। अरे क्या बात कर रहे हो, शोरूम को अकेले बनाने में गाइस पूरे के पूरे 20 करोड़ का खर्चा आया है, और जो उसके अंदर गाड़ियां यार वो तो पूछो मत भाई कितने करोड़ तक जाती है। अरे फिर भी यार बताओ तो सही। लगभग
लगभग गाइस 300 से 400 करोड़ की वहाँ पर गाड़ियाँ है। अरे क्या बकवास कर रहे हो यार, अबे वहाँ पर सिर्फ मेरी गाड़ियाँ नहीं है यार, मैंने साइमन की भी गाड़ियाँ ले रखी है। अरे क्या बात कर रहे हो यार, हाँ वहाँ पर लगभग 300 करोड़ की तो गाड़ी साइमन की होगी। अरे यार क्या बकवास कर रहे हो, फिर तुम्हारी कितने की गाड़ी है यार? मेरी वहाँ पर जहाँ तक है 100 करोड़ के लगभग की गाड़ियाँ होंगी। अरे यार फिर तुमने ये 20 करोड़ का शोरूम पे खर्चा क्यों किया यार? अबे मैं साइमन से भाई साहब किराया भी ले रहा हूँ उनकी गाड़ियों को रखने का। अरे वाह यार, ये तुमने अच्छा दिमाग लगाया। देखा मेरा दिमाग भाई, तू मुझे हल्के में लेता रहता है। फिलहाल तो गाइस अभी हम लोग फटाफट से निकलते हैं यार अपने उस सीक्रेट शोरूम की तरफ, जो कि गाइस एकदम बेहतरीन होने वाला है। वैसे गाइस तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस फटाफट से जाकर यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अरे हाँ गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ गाइस, अभी कभी जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले बटन प्रेस करके यहाँ से नोटिफिकेशन ऑन कर देना। अभी तो गाइस फटाफट से निकलते हैं यार डायरेक्ट अपने सीक्रेट वाले शोरूम की तरफ। अरे कहाँ है यार तुम्हारा सीक्रेट शोरूम? अरे बस पहुंचने ही वाले हैं यार, बिल्कुल अलग ही जगह पे बनवाया है ये। देखो गाइस, इधर डेजर्ट वाला एरिया शुरू होता है और उधर रेलवे की गाइस पटरी है, तो हम लोगों को बस इधर ही जाना है। और इधर ही तो कहीं मैंने थोड़ा सी जगह थी पहाड़ों के बीच में, उधर ही उसकी एंट्रेंस बनवाई है। एक सेकंड गाइस, ध्यान से देखना पड़ेगा कहाँ है। अरे यार याद नहीं क्या तुम्हें? नहीं, एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे ढंग से याद नहीं है, बट इधर ही है यार, तुम लोग इधर ध्यान देते रहो, दिख जाएगा एंट्रेंस तो। ओके गाइस, फटाफट से चलते हैं यार आगे की साइड। अरे यार तुमने बनवाया भी है कि नहीं, हमारा बेवकूफ बना रहे हो? ओ पागल हो गया है क्या? मैं पागल थोड़ा हूँ, सुबह सुबह इतनी ज्यादा दूर आऊंगा बेवकूफ बनाने के लिए तुम लोगों का? सच में बनवाया मैंने शोरूम। अभी रुक जाओ ना, तुम लोगों को एंट्रेंस दिखाता हूँ मैं सीक्रेट वाली। अरे ठीक है, दिखाओ दिखाओ कहाँ है। रुक जाओ एक सेकंड, रुको तो सही। ओके सो गाइस, हम लोग बस पहुंच नहीं वाले हैं यार, और जो एंट्रेंस है वो रही गाइस सामने की तरफ। अरे कहा यार, ये देखो भाई साहब, ये देखो गाइस का तगड़ी और ओपी वाली एंट्रेंस है। अरे वाह यार, तुमने तो बिल्कुल अलग ही जगह पर बनवाई है, देखा रोड से कितनी ज्यादा दूर। अरे लेकिन कोई इधर घूमने के लिए आया और उसे वो दिखा तो? अबे भाई पेड़ के उस साइड है वो, बहुत कम लोग उधर जा पाएंगे, बल्कि किसी का तो ध्यान भी नहीं जा पाएगा उधर। और साथ में गाइस इधर रेलवे वगैरह की पटरी है, ट्रेन वगैरह आती आती रहती है, इसलिए भाई और भी ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई बंदा इधर आएगा ही नहीं किसी भी काम से। अरे वाह यार बहुत ही ज्यादा बढ़िया। चलो गाइस अब बारी एक्सप्लोर करने की अपने सीक्रेट वाली बेस कम सीक्रेट वाले शोरूम को, तो फटाफट से चलते हैं। अरे कहाँ गया शोरूम? अरे पीछे चला गया यार, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ गाइस, इतना ज्यादा सीक्रेट ही बनवा रखा मैंने इसे। वो तो मेरे को ये थोड़ी सी झाड़ वाड़ है इसको देखकर याद आता है। चलो गाइस अब गाड़ी को इधर साइड में खड़ी करते हैं और चलते हैं इस सीक्रेट बेस के अंदर। अरे चलो चलो मजा आएगा यार, ज्यादा उधर हल्ला वल्ला मत मचाना, 400 करोड़ की गाड़ियां रखी हैं उधर। अरे ठीक है यार ठीक है। तो चलो गाइस फटाफट से एंटर करते हैं अपने सीक्रेट बेस के अंदर, देखते हैं गाइस कैसा होने वाला है अपना सीक्रेट शोरूम। चलो यार फटाफट से अंदर चलते हैं। ओके सो गाइस, यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग अपने सीक्रेट बेस या फिर सीक्रेट शोरूम के अंदर। और गाइस यार दिल थाम कर बैठ जाओ यार शोरूम देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गदर होने वाला है। अरे हाँ यार सच में यार बहुत ही ज्यादा गदर होने वाला है यार। शोरूम देखने से पहले गाइस तुम लोग फटाफट से जाकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस अभी। तो चलो गाइस देखते हैं अपना शोरूम, 3, 2, 1। और ये रहा गाइस अपना शोरूम, देख रहे हो भाई साहब क्या ही गदर बनाया मैंने। अरे फैमिली हाँ यार, कितनी सारी मस्त मस्त गाड़ियां हैं। वही तो यार, देख रहा भाई चौप तू। भाई साहब कल यार मारना पड़ेगा भाई, शोरूम तो एकदम गहर है यार क्या। अबे लेकिन वो क्या यार? अबे वो मैंने यार ऐसे ही बनवा रखा, थोड़ा गैरेज टाइप का। अरे यार लेकिन ये क्या है? ये मैंने गाइस दीवार पे एकदम मस्त वाली डिजाइन बना रखे, जैसे कि ये वाली डिजाइन है ना, इसी वाली डिजाइन का मैंने थोड़ा सा अलग कलर करवा के इधर चेप दिया है। अरे लेकिन क्यों यही वाली डिजाइन इधर भी बनवा देते? अबे नहीं यार, थोड़ी अलग फीलिंग आनी चाहिए थी भाई, थोड़ा गेट जैसा लगना चाहिए था, इसलिए गाइस हम लोगों ने इधर वाली डिजाइन को इधर चेप दिया है। नीचे की फ्लोर की अलग डिजाइन है, उसको हम लोगों ने छत में चेप दिया है, और इधर की साइड तो बिल्कुल अलग ही डिजाइन है यार। अरे वाह यार शोरूम तो एकदम गदर है। शोरूम बढ़िया लगाना। और साथ में ये देखो गाइस, छोटी छोटी लाइटें लगा रखी है ना जो साइड साइड में, ये भाई शोरूम को एकदम गदर वाला लुक देती है। और इधर से तो गाइस अपना शोरूम एकदम कहर लगता है यार। ये देखो गाइस, ये छोटी छोटी लाइटों की वजह से क्या ही मस्त लग रहा है। और फिर इसके बाद आती है ये ऊपर वाली लाइटें, जो कि भाई हल्की हल्की गाड़ियों पे पड़ती हैं, और साथ में नीचे की साइड फ्लोर पे उसका रिफ्लेक्शन भी आता है, जिससे भाई ये शोरूम और भी ज्यादा कहर लगता है। देख रहा भाई तो ये वाली गाड़ी? अरे ये किसकी गाड़ी है? ये अपनी गाड़ी है भाई साहब, भूल गया तेरे को बर्थडे पे गिफ्ट करी थी। अरे यार तुमने अभी तक संभाल के रखी है इसे? और क्या बिल्कुल। और ये देखो गाइस क्या मस्त धुआं
धुआं निकल रहा है इसके अंदर से, क्या ही गदर लग रही है वाली गाड़ी। फिलहाल हम लोग गाड़ी चलाने के लिए नहीं आए गाइस, शोरूम को एक्सप्लोर करने के लिए आए, वो भी ऐसा वैसा शोरूम नहीं, सीक्रेट अंडरग्राउंड शोरूम को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। और ये देखो यार, तुमने इधर का तो एरिया देख लिया, अब तुम लोग सोच रहे होगे कि बस इतना ही शोरूम है, लेकिन भाई साहब शोरूम यहीं पे खत्म नहीं होता। सबसे पहले तो गाइस इधर की साइड आता है एरिया जहां पर हम लोग बैठ के इजिली अपना लंच वंच कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और भाई थोड़ा आराम भी कर सकते हैं, लेकिन सोने के लिए थोड़ी जगह कम है, पर चल जाएगा गाइस, एकदम बढ़िया जगह है। कैसी लगी ये जगह? अरे वाह यार, तुमने ये जगह को अलग ही काट के एकदम मस्त बनवा दिया है यार, है ना। और इसके बाद गाइस आता है सबसे ज्यादा महंगी गाड़ियों का कलेक्शन जो कि मौजूद है इसके सेकंड फ्लोर पे। अरे वाह यार, इतनी सी जगह में सेकंड फ्लोर भी, और क्या भाई, ऐसी थोड़ना हूँ मैं, ऐसी थोड़ना खर्चा है इस शोरूम का बनवाने में 20 करोड़ का। वैसे गाइस मैं इसमें से बता दूं, अपनी जो गाड़ियां यार वो ये हैं और ये हैं, बस यही अपनी गाड़ियां हैं। और वो ब्लू वाली वो साइमन की है, ये अपनी गाड़ियां गाइस लगभग 100 करोड़ की हैं। और जो अब गाड़ियां देखोगे गाइस वो है साइमन की, वो भी पूरे के पूरे 300 करोड़ की, जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ी होने वाली है। आ जाओ भाई, चलाते हैं उन गाड़ियों को और देखते हैं कैसी होती है वो गाड़ियां, आ जाओ फटाफट से। अरे वाह यार, उधर भी सीढ़ी है क्या? हाँ, उधर उतरने के लिए, इधर चढ़ने के लिए। अरे लेकिन एक सीढ़ी पे तो हम चढ़ भी सकते, उतर भी। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये मैंने डिजाइन किया है, तुम्हें क्या मतलब इससे। ओके सो गाइस, ये देखो यार क्या ही मस्त सीढ़ियां इधर वुड वाली, और इधर की साइड यार हम लोगों ने ग्लास लगवा रखा है, और उधर लाइट, भाई लाइटों की कमी नहीं है बिल्कुल भी। और इधर आते हैं गाइस लैम्बोर्गिनी टेरज़ो पर। अरे वाह यार, काफी ज्यादा मस्त लग रही है ये तो। ये गाइस अपने साइमन की, पता नहीं गाइस साइमन कहां से इतनी गदर गदर गाड़ियां लेके आता रहता है, बट गाइस जो भी कहो सच में बहुत ही तगड़ी है। और ये दो कुछ गाड़ियां जो है ये गाइस पूरे के पूरे लॉस सेंटोस में एक ही है, तो भाई सच में बहुत ही तगड़ा मजा आता है इनको देख के। अरे वाह यार, सही तुमने यार शोरूम बनवा के मस्त किया यार। क्यों बे? अरे इतनी मस्त मस्त गाड़ी हम लोग देख सकते हैं, वो भी चला भी सकते हैं यार, साइमन को थोड़ा पता चल रहा है। लेकिन चलाएगा कहां? अरे इधर ही शोरूम के अंदर। हाँ ये बात तो है गाइस, शोरूम के अंदर एकदम मजे से हम लोग गाड़ी चला सकते हैं। और तुम लोग कहां गए? अरे यार ये वाली गाड़ी भी बड़ी मस्त है यार। ये वाली गाड़ी भी गाइस देखो क्या ही गदर है, ये वाली गाड़ी भी है साइमन की। आ जाओ भाई तुम लोग इधर आ जाओ। अरे उधर वाली गाड़ी देख रहे थे, लाइन से देखेंगे। इधर की साइड देखो गाइस, एकदम डायमंड की तरह चमकती हुई गाड़ी जो कि बहुत ही ज्यादा गदर लग रही है यार देखने में। और इसके ऊपर है गाइस पर्पल कलर वाला सेकेंडरी कलर, पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन जो भी कहो गाइस गाड़ी एकदम कहर है यार। कैसी लग रही है भाई तुम लोगों को गाड़ी? अरे गाड़ी तो एकदम कहर है, लेकिन चलाएंगे कब? मैं चला लेना भाई, बाद में चला लेना, अभी तुम लोग पहले शोरूम देखो। बाद साहब कल मान जाना पड़ेगा यार, क्या ही खतरनाक तूने सीक्रेट शोरूम बनवाया है। देखा भाई, और ये जो अलग अलग एरिया है ये मैंने महंगी गाड़ियों के लिए अलग बनवाया है, और देख रहा है इन महंगी महंगी गाड़ियों के ऊपर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइट, देख रहे हो गाइस तुम लोग? अरे हाँ यार, सच में गदर है एकदम। अभी गाइस चलते हैं आगे वाली गाड़ी की तरफ, और वो है गाड़ी गाइस ये वाली, ये देखो रेड कलर की अपनी डेविल 16 जो कि बहुत ही बेहतरीन लग रही है यार। अरे हाँ यार, सच में गदर लग रही है ये गाड़ी तो। कैसी लगी भाई तुम लोगों को बताओ यार, अगर ये चलाने का मौका मिले या फिर वो येलो वाली चलाने का मौका मिले तो तुम लोग कौन सी चलाओगे? अरे यही वाली बड़ी मस्त लग रही है, लाल लाल टमाटर जैसी है ना, मस्त लगी ना तुम लोगों को ये गाड़ी। अब चलते हैं गाइस आगे की साइड, इधर की साइड मैंने कोई गाड़ी नहीं रखवाई है, ऐसी खाली छुड़वा दिया है, हर जगह गाड़ी रखवाना जरूरी थोड़ा है यार, क्योंकि इधर वैसे भी गाड़ी जा भी नहीं पा रही थी। हाँ तो गाइस इधर की साइड आती है अपनी एक बाइक जो की पूरी बनी हुई है। अरे गोल्ड से क्या? नहीं नॉर्मल बाइक है, तो शायद ऐसी बाइक तो अपने पास भी थी। अब गाइस बारी आती है एक बहुत ही ज्यादा महंगी रॉयल बाइक की, ये वाली बाइक देखो यार कितनी ज्यादा बेहतरीन लग रही है। अरे हाँ यार, ये वाली बाइक सच में यार एकदम गदर है, और भारी भी है भाई। गदर होने के साथ साथ गाइस ये वाली बाइक सीरियसली में भारी है भाई, इस बाइक के हैंडल मोड़ने में पूरी जान लग जाती है। ये देखो भाई साहब, ऐसे मोड़ना पड़ता है इस गाड़ी के हैंडल को, लेकिन गाइस बहुत ही ज्यादा हैवी बाइक है ये, भाई उतर जा भाई, अपने पैर वैर दब जाएंगे अगर गिर गई तो। तो ये था गाइस अपना शोरूम, और ये थी भाई साहब अपने शोरूम की खासियत। अरे वाह यार, ये क्या है? ये कुछ नहीं, ऐसी शो पीस है थोड़ा आराम आराम करने के लिए, इसके अंदर हम लोग जाके एकदम चिल कर सकते हैं और बिल्कुल सन्नाटे से दूर रह सकते हैं। अरे वाह यार, ये भी सही है। अभी चल दे गाइस बाहर की साइड, ये था गाइस अपना शोरूम। तुम लोग गाइस फटाफट से जाकर यार कमेंट में बताओ तुम लोगों को अपने ये वाला शोरूम कैसा लगा यार। अरे हाँ गाइस, अभी क्या अभी जाकर यार कमेंट में बताओ यार। हाँ गाइस, अभी जाकर फटाफट से वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल वाला बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और गाइस कमेंट में अभी बताओ यार तुम लोगों को ये शोरूम कैसा लगा, और सबसे ज्यादा इसकी बेहतरीन गाड़ी कौन सी लगी यार, तू बता भाई शिनचैन। अरे
अरे मेरे को तो अपनी वाली ये फेवरेट लगी यार। अच्छा ये बर्थडे वाली? अरे हाँ बिल्कुल भाई। पिंचन तेरे को कौन सी बढ़िया लगी? अरे मेरे को वो डेविल 16 वाली। और चौप भाई तेरे को कौन सी बढ़िया लगी? चौप का बच्चा कहाँ है भाई? ये तो रहा भाई साहब है। तेरे को कौन सी बढ़िया लगी चौप? भाई साहब मैं सच बताऊ ना तो मेरे को तो कौन सी टेरसो? नहीं नहीं यार। तो फिर कौन सी? वो पीली वाली? अबे नहीं नहीं। तो कौन सी? मेरे को तो सच बताओ तो सारी गाड़ियां बढ़िया लगी, कोई सी भी दे दे मेरे को। अबे चल देने के लिए मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ऐसे ही पूछ रहा था मैं। भाई अपने रिफ्लेक्शन भी दिख रहे हैं यार, ये देखो शिनचैन के रिफ्लेक्शन, ये देखो चौप भाई तेरे जैसा नीचे एक और है। फिलहाल तो गाइस ये शोरूम बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनवाया था हम लोगों ने, और ये पूरा का पूरा अंडरग्राउंड है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा बन जाता है एक सीक्रेट शोरूम। अरे फैमे यार चलो एक गाड़ी चला के देख लेते हैं। अबे भाई इधर उधर ठुक गए ना, साइमन का बच्चा मेरे को छोड़ेगा नहीं। अरे यार चलो वो एक बार डेविल 16 चलाते हैं यार। ये वाली ले कैसे जाएंगे बट इधर से? अरे यार कैसे भी लेके चले जाएंगे, उसमें क्या है। नहीं नहीं भाई ये ले जाना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। इसके लिए भाई मैं दूसरा तरीका ढूंढने वाला हूँ गाइस गाड़ियों को निकालने का। हाँ इधर की कोई सी चलानी है तो बताओ, इधर की वो चलाना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। अरे तो चलो ये डायमंड वाली चलाते हैं। लेकिन फिर इसके लिए आगे वाली गाड़ी हटानी पड़ेगी। अरे कुल मिला के सिर्फ हम लोग टेरसो चला सकते हैं इसका मतलब? हाँ रुको रुको मैं तुम्हारा इंतजाम करता हूँ भाई, मेरे होते हुए तुम लोगों को डरने की क्या बात है। क्यों भाई साहब कर लो, तू क्या करने वाला है? अबे देखो तो सही मैं क्या करता हूँ। ओके गाइस, अरे 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 ठोकना नहीं है भाई, साइमन की गाड़ी है। चलो गाइस ये गाड़ी हो गई इधर, अब फटाफट से उस वाली गाड़ी को भी करते हैं साइड में। देखो यार तुम लोगों के लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। ओके अब इसको करते हैं गाइस थोड़ा और साइड में, तू पहले बैठ जा शिनचैन। अरे वाह यार ये वाली भी गाड़ी मस्त लग रही है। ये भी मस्त है ही। सो चलो गाइस ये वाली भी गाड़ी मैंने कर दी है साइड में, अभी लेकर आते हैं वो वाली गाड़ी जो तुम लोगों को चलानी थी, ठीक है? अरे हाँ हाँ यही वाली चलानी थी। आ जा भाई शिनचैन फटाफट से। अरे रुको रुको रुको। तो गाइस अभी देखते हैं यार ये वाली गाड़ी कैसी चलती है। ओके ओ भाई साहब सही रास्ता बना दिया मैंने गाड़ियों को ले जाने का। और यहाँ पर इजी 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 उतर जा इजी इजी बहुत इजी। ओके तो गाइस यहाँ पर लेकर आ चुके हैं गाड़ी, देख रहे हो भाई तुम लोग। अरे वाह यार सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है गाड़ी तो। एक बार गाइस मैं इधर से एग्जिट बनवा लूं जहाँ से मैं गाड़ियां निकाल सकूं इजिली, फिर तो भाई मजा आएगा। साइमन को पता भी नहीं चलेगा, उसकी महंगी महंगी गाड़ी हम लोग इजिली रोड पे भी चला सकते हैं। अरे भाई तो यार सच में बड़ा मजा आएगा यार। ओ भाई इधर कहाँ फंसा दी मैंने गाड़ी ले जाके। ओ आराम से भाई, खरोच नहीं आने चाहिए। नहीं आएंगे खरोच गाइस, इतने भी ज्यादा डरने की बात नहीं है, महंगी वाली गाड़ी है, सस्ती वाली थोड़ना है। तो चलो यार इसको भी इधर ही खड़ी कर देते हैं, बाद में उधर लेके जाएंगे। अरे एक बार टेरसो की टेस्टिंग। अबे टेरसो भी तेरे को चलानी है अभी? अरे हाँ यार एक बार और वो डेविल 16 नहीं चला सकते क्या? अबे भाई कह तो रहा हूँ उधर को निकालना उसको थोड़ा मुश्किल होने वाला है। चला आजा भाई फटाफट से टेरसो को भी एक राइड ले लेते हैं गाइस। वैसे ये देखो यार टेरसो में जो लाइट जलती है ना भाई, क्या ही बताऊं मैं तुम लोगों को, क्या ही गजब लगती है भाई सीरियसली में। इसकी भाई हेडलाइट भी अलग ही लेवल की LED लाइट है। चलो गाइस इसको लेकर चलते हैं, नीचे उतारना थोड़ा मुश्किल होने वाला है इसको लग रहा है मेरे को। इजी 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 बहुत ही ज्यादा इजी। चलो गाइस इसको भी निकाल लियो। भाई कितनी ज्यादा फास्ट है ये टेरसो। अरे वो तो है ही फास्ट वाली एकदम सुपर कार। चलो गाइस इसको मोड़ते हैं और ओ भाई साहब खुला रोड मिले तब आया ना चलाने का इसको मजा। चलो गाइस इसको भी अभी हम लोग यहीं पर खड़ी कर देते हैं और चलते हैं गाइस अभी फटाफट से बाहर की साइड। फिलहाल तो गाइस तुम लोगों अगर आज की वाली वीडियो बढ़िया लगी तो फटाफट से जाकर गाइस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार। अरे चलो चलो बाहर चलते हैं, चलो चलो चलो। सो गाइस यहां पर आ चुके हैं अपने सीक्रेट बेस से बाहर, और एक सेकंड चौप भी आ गया, शिनचैन भी आ गया, वो पिंचन का रह गया। अरे मैं अंदर ही रह गया यार, मेरे को निकालो। ले भाई साहब ये पिंचन का बच्चा अंदर ही रह गया, रुक जाते हैं तेरे को निकालने के लिए। फिलहाल तो गाइस तुम लोग अगर आज की वाली वीडियो बढ़िया लगे तो फटाफट से जाकर गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और गाइस जाकर यार अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, और गाइस कमेंट में बताना यार तुम लोगों को ये शोरूम कैसा लगा। अरे मेरे को तो एकदम गदर लगा है यार। हाँ गाइस मेरे को तो गदर लगा है, शिनचैन को भी गदर लगा है, चौप को भी गदर लगा है, और पिंचन अरे यार उसे तो पीछे ही भूल गए। अरे यार चलो चलो उसको तो निकालना भूल ही गए यार। गाइस तुम लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ये सब्सक्राइब के चक्कर में पिंचन अंदर ही छूट गया। ओए पिंचन।